गुड मॉर्निंग क्लास, मैं धरा श्रीवास्तव, आपके इंग्लिश टीचर। बच्चों, हम लोग एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने कुछ काम दिया था आपको एंड किसी ने मुझे नहीं दिखाया है काम। एक बच्चे का काम नहीं आया मेरे पास। आई डोंट नो वाई आप लोग क्या कर रहे थे, मुझे नहीं पता। आप लोग क्यों इतना लाइटली ले रहे हैं इन सब चीज़ों को। मैं कुछ वर्क देती हूँ, मैं ऑलरेडी इतना, मतलब इट्स अ वीडियो ऑफ हार्डली 15 to 20 minutes। आप बस इतना मिनट्स, यू आर जस्ट हैड टू लिसन टू द वीडियो, जस्ट टू गो थ्रू द बुक, रीड इट, जो काम दिया गया जस्ट डू इट। इट टेक्स हार्डली एन आवर एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एजुकेशन, फॉर योर क्लास सिलेबस। अभी आप 6th में हो, यू विल गेट प्रमोटेड टू 7th क्लास एंड दिस थिंग इज़ नॉट गोना रिपीट अगेन। ओके, जो वर्ड्स अभी आप सीख लोगे, मैंने कितनी बार कहा है वर्ड मीनिंग्स मार्क करो, वर्ड मीनिंग्स ढूंढो, इट इंक्रीजेज योर वोकैब। आपकी वर्ड पावर स्ट्रांग होती है, फिर आपका इंग्लिश पे अच्छा कमांड हो जाता है। जितनी ज़्यादा मीनिंग्स आएंगी आपको वर्ड्स की, आपके लिए उतनी ज़्यादा ईजी हो जाएगी इंग्लिश समझना। अभी आपको 1st की बुक दे दी जाए समझने के लिए, आप कितनी आसानी से समझ लेते हैं इंग्लिश, क्योंकि वो सारे वर्ड्स यू आर यूज टू। आप समझ चुके हैं कि इन वर्ड का मतलब ये होता है। वेन नाउ ड्यूरिंग दिस चैप्टर जब आपको नए वर्ड्स मिल रहे हैं, ट्राई टू लर्न देयर मीनिंग्स सो दैट इन फ्यूचर जब आपके सामने वो वर्ड आएगा देन आपको आसानी होगी उसे समझने में। ओके, सो जस्ट डू द वर्क वॉट एवर आई गिव यू। जो भी काम देती हूँ आप प्लीज़ उसे करें। हम पढ़ लिए थे 4th पैराग्राफ तक कल्पना चावला के बारे में। मैंने कुछ पिक्चर्स भी शेयर की थी आपके साथ कल्पना चावला की, और उनका जो क्रू था, मेंबर थे उनके 6-7 मेंबर, सभी की पिक्चर्स भी थी साथ में। मैंने कोलंबिया का जो शटल था मैंने उसकी भी पिक्चर शेयर की थी। मैंने नासा की भी पिक्चर की थी, और वो जो जहाँ से कि वो जो ब्लास्ट ऑफ किया गया था कोलंबिया को, द वेरी प्लेस, तो वहाँ की भी मैंने आपको पिक्चर शेयर की थी। आई होप आप सभी को समझ में आया हो पिक्चर्स को देख के। अगर नहीं समझ में आया है बच्चों, तो फिर मैं आपको एक वीडियो बना लूँगी इन पिक्चर्स पे, फिर मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, सो नाउ बच्चों, हमने 4th पैराग्राफ तक कर लिया था, आज हम 5th पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। ओके, कल्पनास फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज 15 days, 16 hours and 34 minutes लॉन्ग। कल्पना का जो पहला स्पेस मिशन था कोलंबिया नाम के शटल में, इट लास्टेड फॉर 15 days, 16 hours and 34 minutes। ओके, तो वो जो स्पेस में था, वो जो शटल, वो लगभग 15 days, 16 hours and 34 minutes के लिए स्पेस में था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 times, और इस ड्यूरेशन में उन्होंने पृथ्वी के कितने चक्कर लगाए, 252। ओके, इट लास्टेड फॉर 15 days, 16 hours and 34 minutes एंड शी टुक अ राउंड ऑफ 252 times। ओके, ऑफ द अर्थ, और इसमें पूरा जो उनको डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, इट वॉज 10.45 million kilometers। ओके, तो उन्होंने स्पेस में कितना किलोमीटर रन किया था फर्स्ट ट्रिप पे, 10.45 million। द क्रू इंक्लूडेड अ जैपनीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, और उनके जो क्रू, उनकी जो टीम थी उसमें एक जैपनीज और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी था। द क्रू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, और जो वो क्रू था उसने स्पेस में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, जिसमें से कि एक एक्सपेरिमेंट था कि प्लांट्स को पॉलिनेट करना, मतलब एक प्लांट का सीड दूसरे प्लांट पर ले जाना। ओके, सो दैट वो क्रॉस करें और फिर उनकी जनरेशन आगे बढ़े, ऐसा, मतलब ऐसा उन्होंने किया ताकि वो स्पेस में प्लांट की ग्रोथ को समझ सकें। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, और ज़्यादा मजबूत मेटल बनाने के लिए भी उन्होंने कई सारे टेस्ट परफॉर्म किए। एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और ऐसे चिप्स के लिए मेटल भी ढूंढने गए ताकि जिससे कि फास्टर कंप्यूटर्स बन सकें। ओके, अभी हम सिलिकॉन चिप, जिर्कोनियम चिप, सारी आपने सुनी होंगी, हम ये सब यूज़ करते हैं, बट अगर और अच्छी अच्छे मेटल्स मिल जाएँ तो कंप्यूटर की स्पीड और तेज़ बढ़ सकती है। ये सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट करे वहाँ पर स्पेस पर, और इसमें जो टोटल कॉस्ट उनका आया फॉर ऑल अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 million, और इसमें लगभग $56 million रुपये खर्च हुए। ओके, पैसे खर्च हुए। नाउ आपका ये काम है ना, यू विल कन्वर्ट $56 million इनटू इंडियन करेंसी। ओके, अब आप $56 million को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करिए और मुझे बताइए कि कितने पैसे हुए। ओके, हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं।
ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिज़ास्टर ब्रोक देयर वॉज शॉक एंड डिसबिलीफ। और सैटरडे की रात जब कोलंबिया के क्रैश होने की न्यूज़ आई तो पूरा एरिया एवरीबडी वॉज शॉक्ड, हर कोई शॉक्ड था और किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट एंड थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड्स स्टेड ग्लूड टू देयर टेलीविजन सेट्स इन द होप दैट कल्पना एंड द क्रू हैड सम हाउ सर्वाइव्ड। जो टाउन था करनाल का जो कस्बा था जहाँ से कल्पना चावला बिलोंग करती थी, वहाँ पे कोई भी नहीं सोया, सारी रात सब जागते रहे, सब अपनी टीवियों से चिपके हुए थे, ग्लूड मतलब चिपके रहना, ठीक है, दे वर जस्ट होपिंग, वो सब सब बस यही प्रे कर रहे थे कि काश कि कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए कि किसी ना किसी तरह से कल्पना या क्रू कोई भी मतलब बच गया है। ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी नहीं बचा है, जो जस्ट दे वर जस्ट होपिंग, दे वर जस्ट प्रेइंग ऑल थ्रू द नाइट दैट देर माइट बी अ न्यूज़ दैट शी सर्वाइव्ड और एनी ऑफ द क्रू मेम्बर्स दे सर्वाइव्ड। ओके, अ जर्नलिस्ट रोक, एक जो पत्रकार था उसने ये सारी बातें लिखी। क्या लिखा उसने, उसने लिखा शी वॉज अ हीरोइन, वो एक हीरोइन थी। इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, और ये बहुत ही हिम्मत का काम है, बहुत सारा ताकत मेहनत लगती है एक एस्ट्रोनॉट बनने में। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, आपको हर चीज़ के बारे में बहुत कुछ जानना होता है, फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिज़िक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, आपको बायोलॉजी से लेकर के एस्ट्रोफिज़िक्स तक जाननी पड़ती है और आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी जाननी पड़ती है। सिंस आप स्पेस में जा रहे हैं तो आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना है क्योंकि वहाँ पे कोई आपको हेल्प करने के लिए नहीं है, तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए बायोलॉजी की, ऑक्सीजन की, सारे केमिकल्स की, सारे फूड की, आप क्या खा सकते हैं, क्या रह सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको नॉलेज होगी एस्ट्रोफिज़िक्स की, सारा जो भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं थ्रू आउट द स्पेस, ऑन इन अर्थ पे, स्पेस पे, दूसरे प्लैनेट्स पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए आपको फिज़िक्स की नॉलेज होनी चाहिए, फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, आप जिस भी चीज़ में बैठे हैं, जो भी आपका कन्वीनियंस है, जो भी आपका व्हीकल है, जो भी आपका शटल स्पेस शटल है, आपको उसके बारे में भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आप जिस यान में बैठ के जा रहे हैं वो तो कैसे चलता है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हम कैसे उसे संभालेंगे। तो सिर्फ एक चीज़ की पढ़ाई करके आप एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकते, आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है और बहुत ही डेप्थ में पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के आप एस्ट्रोनॉट बनते हैं। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपेडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट, और ऐसे समय में जबकि सब कुछ हर चीज़ में सुपरियॉरिटी है, हर चीज़ में स्पेशलाइजेशन है, आपको पूरा एक एनसाइक्लोपीडिया बनना पड़ता है। एनसाइक्लोपीडिया मतलब ऐसा बुक बननी पड़ती है आपको जिसमें कि सब कुछ अवेलेबल हो, जिसमें कि सारा ज्ञान भरा हो, तब जाकर के आप एक एस्ट्रोनॉट बनते हैं। हर अचीवमेंट इज़ ऑल इंस्पायरिंग, और उनकी जो भी उपलब्धियाँ थी कल्पना चावला की, वो सभी को इंस्पायर करने के लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत काफ़ी हैं। ओके, नाउ फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, कई सारे युवा जो हमारे भारतीय हैं, द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच द स्काइज हैड बीन एन इंस्पिरेशन। नाउ ऐसे बहुत सारे लोग जो हमारे नवयुवक हैं, जो भी यंगस्टर्स हैं, आप सब भी हैं, ठीक है, आप सबको भी आई होप कल्पना चावला की ये जो स्टोरी है, एक जो छोटे गांव से, छोटे शहर से ऐसे आई एक लड़की, जैसे हमारा शामगढ़ी एक तो छोटा सा है, ओके, यहाँ से आई एक बच्ची जो कि आसमान को छू गई, ठीक है, वो सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है, और आई होप आप सभी इनसे बहुत इंस्पायर होंगे। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अब्रॉड टू स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज इन चंडीगढ़, कल्पना ने एक बार एक मैसेज भेजा था, ओके, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि उसके कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, जिस कॉलेज से वो पढ़ के निकली थी, वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने एक बार मैसेज भेजा था कि द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, आपका जो भी सपना है, ओके, जो भी ड्रीम है आपका, वहाँ से उसे साकार करने के लिए हमेशा एक रास्ता होता है, ठीक है, मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, और भगवान ना करे कि आपको वो दृष्टि मिले, ठीक है, आपको वो नज़रिया मिले कि आप वो रास्ता ढूंढ सकें, टू करेज द करेज टू गेट ऑन टू इट, और आपको इतना साहस, इतनी हिम्मत मिले कि आप उस रास्ते पर चल सकें।
विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। और आप सभी को, आप सभी की जो यात्रा है आपके सपने से वास्तविकता, हकीकत की तरफ, वो जो जर्नी हो आपकी, आई होप इट्स अ गुड वन। आपको एक महान जर्नी के लिए मैं आपको, आपके लिए प्रे करती हूँ। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन देयर जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। और ऐसे बहुत से लोग होंगे जो स्टार्ट ऑफ करेंगे, जो शुरुआत करेंगे अपनी नई जर्नी के लिए, जो कि उनके ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करेगा। ये जो भी स्टोरी हमने पढ़ी है, ये एक आर्टिकल निकला था पेपर में, ओके, वहाँ से ये निकाला गया है, ठीक है। और आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स मोर लाइक अ बायोग्राफी, ओके। सो ये कल्पना चावला के बारे में उनकी जीवनी है एक तरह से। आप सभी इसे पढ़ें, इसको, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों आपको, कि आप जो चाहते हैं, जो भी ड्रीम आपने देखा है, देर इज़ अ वे ऑफ फुलफिलिंग इट। आपने जो भी सपने देखे हैं वो ज़रूर साकार हो सकते हैं, ज़रूर पूरे हो सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी लगन दिखानी है, और एक दिन आप ज़रूर वो सब कुछ अचीव करेंगे जो कि आप पाना चाहते हैं। बस उसके लिए आपको थोड़ा सा मेरा जो भी मैं काम देती हूँ वो आपको करना पड़ेगा, आपको सारे वो वक्त करने पड़ेंगे, और प्लीज़ टाइमली मुझे दिखा दिया करें। आज के लिए बच्चों इतना ही, ओके। आप जस्ट गो टू द स्टोरी वंस, एक बार फिर से आप इसे पढ़ें, एंड प्लीज़ आप सभी वर्ड मीनिंग्स का ध्यान रखें, अच्छे अच्छे वर्ड सीखें, ठीक है। जो भी डिफ़िकल्ट लगे मुझसे पूछ लें आप, और जो मैंने आपको ये वर्क दिया था ये आप इसे ज़रूर करें। मैंने जो पिक्चर्स शेयर की थी उनको दोबारा से देखिए, समझिए। कोई पिक्चर समझ में ना आ रही हो तो मुझसे पूछिए। और आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं बच्चों। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, आगे की कहानी डिस्कस करेंगे, ओके। तब तक अपना घर पे रहें, ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें बच्चों। थैंक यू क्लास।